सो हे गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज के स्टूडियो में यहाँ पर मैं टोटल आपको 5 लैपटॉप्स बताने वाले जो कि आप ले सकते हो अंडर 14,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में। अब गाइज देखिए कि यहाँ पर जो कि 14,000 का प्राइस सेगमेंट में आपको बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन मिल जाते हैं तो कन्फ्यूजन यार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सभी टाइप के लैपटॉप्स यहाँ पर आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगा। यहाँ पर आपके लिए चाहिए भाई एकदम स्टूडेंट लेवल के लिए, यहाँ पर चाहिए भाई आपको गेमिंग के लिए, यहाँ पर चाहिए भाई यहाँ पर मतलब कि आपको ऑफिस काम करने के लिए, मतलब कि आपको हेवी चाहिए या फिर रफ एंड टफ यूज़ करना है या फिर आपको एकदम से लॉन्ग टर्म तक उसे जो कि यूज़ करने तो आपको कौन सा लैपटॉप परचेस करना है, तो सभी टाइप के लैपटॉप्स यहाँ पर इस वीडियो के साथ में आपको बताने वाला हूँ। एंड हाँ, इनमें से काफ़ी सारे लैपटॉप मैं यूज़ कर चुका हूँ तो इनके बारे में पर्सनली मुझे काफ़ी कुछ जो कि नॉलेज है तो मैं आपके साथ वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि 14,000 रुपये से कम बजट नहीं होता है, एक जो कि नॉर्मल कंज्यूमर के लिए काफ़ी ज़्यादा जो कि सालों की जो कि मेहनत हो जाती है। तो लास्ट तक वीडियो को देख लेना क्योंकि आप जो कि 14,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं चाहता हूँ वो आप अपने सही लैपटॉप्स के ऊपर परचेस करो। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक भी कर दो एंड यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह से पीसी या फिर लैपटॉप या फिर पीसी गेमिंग के रिलेटेड वीडियो चाहते हो अपने जो कि स्मार्टफोन के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ ही लगा बेल आइकन उसे भी प्रेस करना यार बिल्कुल भी मत भूलेगा। अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो के तरफ। तो यार हम आ चुके हैं अपने जो कि पीसी स्क्रीन के ऊपर, वो सबसे पहले लैपटॉप और मेरा काफ़ी ज़्यादा पर्सनल फेवरेट और ब्यूटीफुल लुकिंग वाला यहाँ पर आपको लैपटॉप देखने के लिए मिल जाता है, वो आता है भाई एसुस की वीवो बुक 14 सीरीज के साथ में। और एसुस की जो वीवो बुक सीरीज है जो कि पूरी की पूरी वहाँ पर आपको बेटर लुक्स मिल जाते हैं, पोर्टेबल लैपटॉप होते हैं एंड दिखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, जैसे कि आप इस जो कि फोटोज़ में आप इसे देख सकते हो। अब इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट i3 का 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है और इसके डिस्प्ले की बात करते तो 14 इंचेस का फुल HD का यहाँ पर आपको मतलब डिस्प्ले भी मिल जाता है। तो यानी कि क्लैरिटी वगैरह शार्पनेस के बारे में बात करते हैं तो वो आपको ठीक ठाक से यहाँ पर आपको मिल जाती है। रैम्स की बात करें तो यहाँ पर इस जो कि लैपटॉप में आपको 8GB के रैम मिल जाते हैं, फर्दर इसे आप जो कि अपग्रेड भी कर सकते हो अगर आप फ्यूचर में लगता है कि 8GB कम पड़ रहा है। हालांकि 8GB एक लैपटॉप के लिए नॉर्मली इनफ से हो जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मुझे अपडेट करना है तो आप उसे अपग्रेड भी डेफिनेटली कर सकते हो। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जो कि प्राइस सेगमेंट में आपको एक जो कि कॉम्बो मिल जाता है, यानी कि 1TB आपको नॉर्मल हार्ड ड्राइव मिल जाते हैं जो कि आप अपने फोटोस वीडियोस या फिर ऑफिस के फाइल्स वगैरह रखने में आप जो कि इसका यूज कर सकते हो। एंड इसी के साथ जो कि अपना विंडोज है वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा भाई आपकी जो कि 128GB की NVMe SSD। तो हाँ गाइस, ये कोई भी नॉर्मल SSD नहीं, NVMe SSD है। तो आपको जो कि बूट टाइम है, ओवरऑल जो कि स्नैपिनेस है, आप जो भी काम करेंगे अपने जो कि विंडोज के ऊपर, विंडोज जो कि 10 यहाँ पर आपको मिल जाते हैं तो उसके ऊपर जो भी काम करेंगे काफी ज्यादा फास्टली वर्क होगा और ये लैपटॉप आपके लिए जो कि राइट चॉइस हो जाएगा। मेरे पर्सनली फेवरेट ये जो कि लैपटॉप निकल कर आ जाते हैं क्योंकि लुक्स के साथ यहाँ पर आपको बेटर परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी। और अगर बात करते हैं कि मतलब ग्राफिक्स टाइप तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटर ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो कि इंटेल के USD आपको जो कि ग्राफिक्स मिल जाते हैं, विंडोज 10 का सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर आपको MS Office 2019 का यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। और वेट की बात करते हो काफ़ी ज़्यादा हल्का और लाइट वेट यहाँ पर आपको जो कि लैपटॉप मिल जाता है, 1.6 kg के आसपास इसका जो कि टोटल वेट मिल जाएगा। बैटरी लाइफ भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और स्टाइलिश वाइज देखा जाए ऊपर से यहाँ पर देख सकते हो इसके जो कि लुक्स वगैरह तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको काफ़ी जो कि पोर्टेबल है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, टाइप सी का वगैरह सारे यहाँ पर आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे। एंड इसके प्राइसिंग की बात करते हो तो हमारा जो कि बजट है 14,000 रुपये उससे काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो मेरे पर्सनली हाईली रिकमेंड है अगर आप लैपटॉप चूज कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए जो कि राइट चॉइस हो सकती है। तो इसका बाइंग लिंक डायरेक्टली अमेजोन का उसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जहाँ पर जाकर आप इसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। और इसके ऊपर अभी यहाँ पर जो कि बैंक का डिस्काउंट भी चल रहा है तो अगर आप शॉप से परचेस करेंगे तो बैंक का डिस्काउंट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, तो अगर आप इससे परचेस कर सकते हो तो यहाँ पर आपको बैंक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट से बाय कर लीजिए क्योंकि ये ऐसे लैपटॉप से कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो कि लैपटॉप मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इसे जो कि परचेस कर सकते हो। चलते यार हमारे सेकंड लैपटॉप की तरफ, तो सेकंड लैपटॉप आता है भाई HP की तरफ से। तो यार आपको चाहिए कि मुझे मतलब कि थोड़ा बहुत जो कि मेरे लैपटॉप के साथ में गेमिंग का अगर आप शौक रखते हो तो वो भी अगर आप करना चाहते हो तो इस लैपटॉप के साथ वो जो कि चीज़ पॉसिबल है। अब वो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है राइजन 5 का 3rd जनरेशन का प्रोसेसर और इसके साथ जो कि आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं ना वो Vega 8 के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। अब यार Vega 8 जो कि एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है लेकिन इसकी जो कि पावर है ना वो यार काफ़ी ज़्यादा कमाल के मिल जाते हैं। तो Vega 8 के साथ मैंने काफ़ी सारे जो कि गेम्स है इसके ऊपर प्ले किए हुए, GTA 5 में खेल चुका हूँ, मतलब हमारे काफ़ी सारे गेम्स आप जो कि Vega 8
के ऊपर खेल सकते हो, नो डाउट काफ़ी अच्छा है जो कि आपको रिस्पॉन्स ले लाकर दे देगा। 8GB की रैम मिल जाती है, 1TB की नॉर्मल हार्ड ड्राइव यहाँ पर आपको मिल जाएगी, MS ऑफिस मिल जाता है, विंडोज 10 होम का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर बात करते हैं इसके डिस्प्ले की तो डिस्प्ले बड़ा है, यानी कि अगर आप गेम वगैरह खेलोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको 15.6 इंचेस का फुल HD का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले, वेबकैम वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड इसके प्राइसिंग देखेंगे तो थोड़ी सी हाई है, लेकिन आप इसके ऊपर अगर आप बैंक ऑफर वगैरह लगेंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा कम प्राइसिंग में, यानी कि जो हमारा 14,000 रुपीज़ का बजट है उससे भी कम प्राइसिंग में मिल जाएगा। ओवरऑल HP का यहाँ पर आपको भरोसा मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ दिखने में भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, सारे पोर्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो ऐसे कुछ जो कि दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो लोग भी एक ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं, थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जो कि राइट चॉइस हो जाएगा ये वाला जो कि लैपटॉप। तो इसका भी बैंक लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अमेजोन का डायरेक्टली, तो आप वहाँ पर जाकर इसे परचेज कर सकते हो। और अमेजोन से परचेज करने का यहाँ पर आपको ये मतलब कि एडवांटेज मिल जाते हैं कि अगर आपको बाई चांस लगता है कि यार ये मेरा जो कि यूनिट है मुझे कुछ फॉल्टी लग रहा है, तो आप उसे ईजिली 7 डेज में रिप्लेसमेंट कर सकते हो। तो ये अमेजोन का आपको बड़ा सा फायदा मिल जाता है। अब चलिए चलते हैं हमारे जो कि तीसरे लैपटॉप की तरफ। तो तीसरा लैपटॉप यार उन लोगों के लिए जो एकदम से मतलब है ना कि एप्पल वाला लुक चाहते हैं अपने जो कि लैपटॉप में, यानी कि मैकबुक की तरह चाहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल हो, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हो, तो आपके लिए ये भाई एक जो कि लैपटॉप है। तो गाइज ये जो कि आता है MI की तरफ से नोटबुक 14 की सीरीज में, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट i5 10 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर प्रोसेसर है। एंड यहाँ पर भी आपको 8GB की रैम्स मिल जाएगी, 256GB की आपको SSD मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी नॉर्मल हार्ड ड्राइव देखने के लिए नहीं मिलता है। हालांकि आप उसे फर्दर मतलब कि इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें कुछ जो कोई प्रॉब्लम नहीं। और SSD किस तरह से इंस्टॉल करते हो उसके बारे में भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारे बनाकर रखी है, तो चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको विंडोज 10 मिल जाता है एंड इंटेल का अल्ट्रा HD के ग्राफिक्स मिल जाएंगे, एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, 1.5 kg के आसपास का जो कि आपको मिल जाता है वेट। और वेबकैम इसका काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, तो आप इसे जो कि निकाल कर रख सकते हो, यानी कि ये अपने प्राइवेसी है ना उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ बन जाती है। क्योंकि यार आपको पता है कि नॉर्मल जो कि लैपटॉप वगैरह पीछे है हम मतलब कि हैक करना कुछ जो कि अब बच्चों वाली बातें हो चुकी, तो आप थोड़ा सा प्राइवेसी इसके साथ जो कि बना सकते हो, क्योंकि जो वेबकैम निकल जाता है तो यहाँ पर आपको जो कि कोई भी मतलब ना फ्रंट कैमरे चालू नहीं कर पाएगा, तो ये इसकी जो कि अच्छी बात है। MI की तरफ से आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसके बाद भी जा सकते हो। इसका भी प्राइस देखेंगे तो थोड़ा सा हाई है, लेकिन वही है अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफर लगा देते हो या फिर थोड़ा बहुत डिस्काउंट अगर आप लेते हो इसके ऊपर, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा कम प्राइसिंग में मिल जाएगा। तो इसका भी बैंक लिंक यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाइए उसे जो कि परचेस कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छा लैपटॉप से इसे मैंने पर्सनली यूज़ कर रखा है, मुझे तो यार काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा। बाकी अपनी अपनी चॉइस हो जाती है, तो आप देख सकते हो एक बार कि आपको अच्छा लगता है या फिर नहीं लगता है। बढ़ते हमारे अगले लैपटॉप की तरफ। अगला लैपटॉप आता है भाई हमारा डेल की तरफ से, और इसे मैंने इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया है कि भाई अगर आपको चाहिए एकदम लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने वाला लैपटॉप, अगर आप एकदम रफ एंड टफ यूज़ करते हो, तो भाई आपके लिए ये जो कि डेल का इंस्पिरेशन 15 वाला लैपटॉप आप ही के लिए बनाए। तो गाइज देख सकते हो काफ़ी अच्छी जो कि डिज़ाइन के साथ आता है, लेकिन गाइज इसकी अच्छी बात है डेल की तरफ से आते हो तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी आपको अच्छी मिल जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं कि आप फेक ही दो लैपटॉप को तो मतलब फूट ही जाएगा कौन सा भी हो, लेकिन नॉर्मली अगर आप रफ एंड टफ यूज़ करना चाहते हो, डेल ऐसा एक जो कि बड़ा सा भरोसा आप कुछ मतलब चाहिए, तो आप इस जो कि लैपटॉप के साथ जा सकते हो। इसकी स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आपको 15.6 इंचेस की एक काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, और रेजोल्यूशन भी आपको फुल HD का मिल जाएगा। और इसी के साथ आपको लेटेस्ट i3 10 जनरेशन का प्रोसेसर, 8GB की रैम, 1TB की हार्ड ड्राइव यहाँ पर आपको मिल जाएगी, कोई भी SSD नहीं मिलेगी इसके साथ में। एंड यहाँ पर आपको विंडोज 10 का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो मतलब काफ़ी एक अच्छा लैपटॉप है। और इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। अगर आप रफ एंड टफ यूज़ करते हो, अपने लिए एक जो कि डेल ऐसे एक जो कि बड़ा ब्रांड के साथ जाना चाहते हो, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। काफ़ी एक अच्छा लैपटॉप है, और मेरे नज़र में तो एक काफ़ी एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज निकल कर आ जाता है। इसके प्राइसिंग देखेंगे तो हमारे जो कि जिस तरह से बजट लेके चल रहे उससे काफ़ी कम है, तो आप इजीली इसे जो कि अफोर्ड कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है। बढ़ते हमारे लास्ट लैपटॉप की तरफ, और ये लास्ट लैपटॉप थोड़ा सा नए ब्रांड की तरफ से आता है, लेकिन हाल ही में इन्होंने काफ़ी अच्छी इसकी जो कि सेल्स बनाई है, और इसकी जो कि रेटिंग्स भी देखेंगे तो काफ़ी रेटिंग्स बढ़ चुके हैं, तो इसी वजह से मैंने अपने जो कि लिस्ट में इसे इंक्लूड किया हुआ है। क्योंकि कोई भी यार ब्रांड है, डेल चाहे या फिर मतलब हमारा एसुस चाहे या फिर कोई भी हमारा HP चाहे, एकदम से नया तो होगा ही, कोई भी आता है तो नया ही होता है, बाद में ही मतलब कि एक पुराने हो जाते हैं, तो इसके ऊपर भी आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो आपको स्पेक्स मिलते हैं ना, वो सभी से यहाँ पर आपको काफ़ी कमाल के यहाँ पर आपको स्पेक्स मिल जाते हैं। जैसे कि ये अभी तक लिबर V40 इसका जो मॉडल नंबर
पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसका जो कि अगर डिस्प्ले साइज की बात करते हैं तो 14 इंच का यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल जाएगा और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है जो कि i5 का 10 जनरेशन का एंड 8GB की रैम मिल जाएगी। और अभी तक मैंने जितने भी लैपटॉप्स बताए उनमें सिर्फ आपको SSD है ना वो कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 512GB के एक डेडिकेटेड SSD मिल जाते हैं, तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर जो SSD है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा रोल निभा देती है जो कि आप एक लैपटॉप परचेस करने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा एक जो कि नॉर्मल SSD और HDD में कितना फर्क यहाँ पर आपको मिल जाता है। फुल HD की डिस्प्ले विंडोज 10 यहाँ पर आपको मिल जाएगा और इसी के साथ इंटेल के HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो कि लेटेस्ट वाले 620 वाले मिल जाएंगे। FX ऑफिस यहाँ पर आपको मिल जाएगी और सबसे ज़्यादा लाइट वेट यही वाला लैपटॉप है जहाँ पर देखेंगे 1.25 kg के आसपास इसका जो कि आपको एग्जैक्टली वेट भी मिल जाएगा। और बैटरी लाइफ भी इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी, जिस तरह से साइज है इसका उस हिसाब से यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट्स वगैरह भी मिल जाएगा, ऊपर से इसके जो कि मतलब साउंड वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं। हालांकि लैपटॉप्स के जितने भी जो कि मतलब स्पीकर होते हैं इतने अच्छे ऑफर नहीं करते, लेकिन इसका जो कि साउंड देखेंगे तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। और इसके साथ आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाएगी। नॉर्मली जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं उनमें आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप वारंटी एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप उसे 1.5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो। यानी कि एक जो कि ब्रांड है वो अपनी जो कि पहचान बनाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर ज़रूर ट्रस्ट कर सकते हो। और अगर बाई चांस आपको पसंद नहीं आता है तो भाई अमेजोन है ही जो कि लैपटॉप को आप जो कि रिटर्न भी कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सारे लैपटॉप्स मिल जाएंगे। बाकी मुझे अगर इनमें से कौन सा लैपटॉप परचेस करना चाहिए तो मैं कौन सा लेता, तो भाई वो तो मैं अपना लेता यही वाला लैपटॉप जो कि एसुस का वीवो की जो मैंने आपको पहले वाला बताया, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको सब चीज़ें बैलेंस मिल जाती है। एक तो आपको लेटेस्ट i3 का 10 जनरेशन प्रोसेसर 14 इंच की यहाँ पर आपको फुल HD की मतलब डिस्प्ले, 8GB की रैम है, इंटरनेट का मतलब यहाँ पर 1TB की हार्ड ड्राइव और 120GB की NVMe SSD जो कि फास्ट मानी जाती है सबसे ज़्यादा। और ऊपर से एसुस जैसे ब्रांड और वीवो बुक की जो कि सीरीज है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फ्लैश और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो मैं इसी के साथ जाता। बाकी आप मुझे बताना कि यार आप इनमें से कौन सा लैपटॉप परचेस करेंगे। बाद में मैंने जितने भी रिसर्च किए और इनमें से काफ़ी सारे लैपटॉप मैंने यूज़ करके रखे, इस वजह से यहाँ पर मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है। तो इनमें से कौन सा भी लैपटॉप को आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक यहाँ पर मैंने दिए हैं, जाइए और उस जगह परचेस कर लीजिए। तो भाई दे ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो एंड साथ ही लगा बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लो। तो चलिए यार मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहे एंड गुड बाय।